सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर YouTube चैनल। एक नए व्लॉग की शुरुआत आप सभी के साथ। आप सभी लोगों को पता ही है कि राखी आने वाली है, 19 तारीख की राखी है। भाई और बहन का ये त्योहार है, तो हर साल हम लोग राखी बांधते हैं, इस साल भी हम लोग राखी बांधेंगे। तो राखियां लेके आने वाली पड़ी हैं, आपको पिछले व्लॉग में भी बताया था। पिछले व्लॉग में गए नहीं हम लोग, तो आज हम लोग जा रहे हैं अभी। तो राखी हम वैसे ही बहुत ज्यादा लेट हो गए लेने के लिए। अभी पता नहीं आपको अच्छी मिलेगी कि नहीं। पता क्या होता है, हफ्ते पहले लेनी होती है, नहीं तो अच्छी अच्छी राखियां बिक जाती है और फिर ऐसी ही बचती है, मतलब टेम्परेरी राखियां। बढ़िया जगह लेके चलना है, उन्होंने स्टॉक इकट्ठा मंगा के रखा है आने वाले 100 साल का। ठीक है यार, आज गर्मी बहुत ज्यादा है, 3-4 दिन से ज्यादा है। चलिए अभी राखी लेने चलते हैं। लोग गाइस, ये है भाई राखियां। कितने वाली है भैया ये वाली? 60 रुपए की है। इतना बजट ठीक है आपके लिए? बजट की बात मत करो आप मेरे साथ। हाँ यार, तो सिंपल सोबर ही दिखा। मैं क्या गूगल वाली पता नहीं किमें दी, वो गूगल वाली ऐसा तो कुछ नहीं करना है, बस सिंपल जी चाहिए है यार। इतना तो डिजाइन पसंद कर लो मुझे कोई भी। आ देख कितनी सोहनी है। ए भी रखड़ी है। क्यों ही है ता शो का है ना, शो पीस के लिए यार, सारा शो पीस का कमाल है। मिंता सोहनी लगी, किधर गए? ओए इन्हें तो छोड़ रहने दे यार। आ स्टैचू ऑफ लिबर्टी हमारी छोटी सी शॉपिंग करके हम लोग घर पे आ गए हैं। ये गाइस हमारी राखियां, हम लोग ना गाइस मिक्स राखियां लेके आए हैं। महंगी भी लेके आए हैं, फिर मिडिल वाली भी लेके आए हैं, फिर सस्ती भी लेके आए हैं, ताकि हमें हर एक चीज का एक्सपीरियंस हो। सही है ना डुगु? मैं पहले अपनी चीजें ही दिखाती हूँ जब भी हम कहीं जाते हैं ना, मेरे को तो मैं अपना सामान पहले दूंगा। ये क्या? नहीं सेठी तो हूं बजी। ये क्या लेके आई है तुम्हें? को ये समझ नहीं आया। रबर बैंड लेकर आई मैं भैया के लिए। अच्छा, सेम तो गाइस एक ये ली थी हमने, आपको जो दिखाई रखे ना उनमें से कोई भी नहीं पसंद करी है ना निधि हमने। हाँ। जीजा जी के लगाती है, तो ये वाली जीजा जी के लिए और मनीषा के लिए। अब लोग पूछेंगे कि मनीषा के क्यों लगाती है। तो गाइस अब ना कई लोग पूछेंगे कि निधि जो है मेरे जीजा जी को राखी क्यों लगाती है, वो निधि जी बताएंगे। हाँ, मैं बताती हूँ। तो जब हमारी शादी हुई थी तो हमारे हिमाचल में ऐसा रिवाज होता है, मंडप पे ना धर्मचारा लगा सकते हैं, धर्म भाई बना सकते हैं मंडप पे। तो वो जो धर्मचारा होता है वो मतलब हमेशा के लिए होता है, 7 जन्मों का भाई कह लेते हैं कि मतलब बना ही रहता है, वो टूटता नहीं कभी भी। तो उस टाइम ये था कि मैं मतलब लगा तो वहां के किसी के साथ भी सकती थी, पर मैंने सोचा कि नहीं यार, जो मेरे नेड़े भी हो, जिनके साथ मैं बरत सकूँ। अगर कई बार होता है ना बंदा नहीं जा सकता इतनी दूर, तो उस वजह से मैंने सोचा था कि जो नज़दीक हो और हमारे क्लोज हो, जो मेरे साथ बरते मैं भी बरतूँ। तो इसलिए मैंने भैया को लगा दी थी, मनीषा जी के हस्बैंड को, अपने नंदोई कहते हैं ना, नंदोई को। तो फिर मैं, वो मेरे भैया भी लगे, फिर मनीषा जी मेरे भाभी भी लगे और ननद भी लगे, दोस्त भी लगे। इन शॉर्ट मैं समझाता हूँ आपको, जब हमारी शादी हुई थी ना तो मंडप पे धर्म भाई बनाना होता है, नहीं दोनों के ये रिवाज होता है, तो जीजा जी को बनाया था इन्होंने। हाँ। अपना धर्म भाई तो ये लेके आए हैं हम लोग, बेदी का धर्म। ओके, तो ये लेके आए हम लोग राखी। एक ये जीजा जी के बांधे की निधि, ये मनीषा के बांधे की सेट टाइम। चलो तो अगली दिखाओ, ये वाली आदू के लिए। अच्छा, तो ये कादू के लिए लेके आए हैं। निधि या आदुआ बाल पर मेरे वंगू अच्छी है गाइस, मेरे को तो पहली नजर में पसंद आ गई थी। गाएगी दीक्षा दीदी। तो एक ये राखी लेके निधि की सारी बहनों ने हमें बोल दिया था, तो सॉरी आदू की सारी बहनों ने हमें बोल दिया था कि राखी ले आना, तो हम सबकी तरफ से एक एक राखी ले आए हैं। पर ये वाली राखी हमने गुड़िया की तरफ से लाई, क्योंकि गुड़िया ने बहुत ज्यादा बढ़िया बजट दिया। ये वाली गुड़िया की राखी। तो ये है गाइस गुड़िया की तरफ से राखी। ये है मेरी राखी। ये निधि की तरफ से राखी। ये है दीक्षा दीदी की तरफ से। ये दीक्षा दीदी की तरफ से राखी। ये है अंजू की तरफ से। ये है अंजू दीदी की तरफ से राखी। के सबके धागे। ये है सबके धागे। और गाइस कई लोग बोलेंगे कि धागे मिलते हैं तो वो क्यों नहीं लेके आए। हमारे गाइस मोली ही बांधते हैं, मोली जिनको नहीं पता, मोली इसको बोलते हैं हिंदी में, नहीं मेरे को पता क्या बोलते हैं। खंबनी खंबनी खंबनी। पुराने हमारे पता कैसे होता था, जब मेरी मम्मी की शादी हुई थी ना, तो ये बांधते थे इधर इधर ऐसे बना के। हमारे गाइस मौली का मतलब के खंबनी का शगन मानते हैं राखी पे, तो इसलिए ये।
ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ ਜਦ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਦੱਸਦੀ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਬੰਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਦਾ ਘੜਾ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹਨਾ ਤੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੰਮੀ ਤੇ ਦਾਦੀ ਦੀ ਟਾਈਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੰਮਾ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਘਰੇ ਬਣਾਵਾਂਗੀ ਰੱਖੜੀ ਫਿਰ ਮੈਂ अगला दिन और कल हम लोग आप लोगों को पता है कि राखियां लेके आए थे एंड आज ना घर पे जो है मनीषा और जीजू आए हुए हैं। ये देखो भाई ये मेरी गुगली नोनी जी पीलो जीजू पीलो। मनीषा और जीजू पहले ही आ गए हैं बिकॉज जीजू को ना राखी वाले दिन की छुट्टी नहीं है। आपको बताया था कि निधि जो है जीजू की राखी बांधती है। अभी हमारी थाली तैयार है तो आज ही राखी बांध लेंगे, लगा देगी है ना निधि। तो मेरे तो मनीषा रुकेगी तो मेरे तो राखी वाले दिन ही लगाएगी। ये क्या कराया है? मैंने सोचा था राखी वाले दिन मेहंदी लगाऊंगी। फिर ये मेहंदी तो लग नहीं रही, ये ऐसा लग रहा है कलर है। कलर ही है। कौन सा कलर? होली वाला सिंदूर है। जिस दिन सारे तो अज ही बनवा ली कल। अच्छा पहले ही बनवा लिया। तो गाइस जीजा जी को छुट्टी नहीं है ना राखी वाले दिन, इसलिए सबसे पहले बंधवा ली। क्यों है तू क्यों रोना? आया तेरे रखड़ी बनी आजा। खाने पीने का सामान पड़ा है। चौकी ढूंढ रहा था निशान, चौकी ढूंढ रहा था। है ले लो, की लेना बस, की लेना चौकी। गाइस जैसे ही आज आया ना ये औते सार, इसने ये एक ही वर्ड बोला चौकी, और इसने इशारा करा कि वहां पे पड़े होते चौकी। ये देखो गाइस चौकी निकाल के वो फेंक दी। इधर इधर की लग डब्बा आया थी पता। हां तीनों लेनी, तीनों लेनी है कहंदा। एक खाओ पहला खोलियो ना। रहन दे फिर, ना दे रहन दे, खोल के ना दे, ऐदी दे दो। हुनी दा नाले चॉकलेट खादी आ। हैं हुनी दा चॉकलेट खादी आ की? इसने एक नई चीज सीखी है, अगर इसको कुछ चीज मना करेंगे ना फिर क्या करेगा? हाथ जोड़ के ऐदा कर देगा। ये नई चीज कितों सीखी है? कितों सीखी है चीज? है YouTube से। हो उथे रख के कहता है, कहता उत्ते उत्ते। बच्चे की करते रहते है ना। लै हुण उन्हें उस रखती, हुण कढूगा फिर रख दूगा। ये मासूमियत देख अखा च किवें आ। मासूमियत भी शैतानी है। छोटे सरदार जी बनोगे आप है डुगू? खुलदा नहीं नहीं मिलना दुगू। बस दो ऑलरेडी खा चुका वा, फिर एक चॉकलेट खा चुका है, हुन नहीं मिलना। बस अद्धी ठीक है। खोलो की हुंदा वा? खोलो खोल की हुंदा? खोलो खोलो।
पिछली बार आया था वहाँ ट्रैक्टर जो पड़े होते हैं ना उसकी तहस नहस कर दी थी, तोड़ दिए थे वो, मम्मी ने उठाए वहां से, अब साइकिल मिल गया, अब साइकिल की ऐसी तैसी करेगा ये। दिशान हूं क्यों दा? हां जी जिवें दी आदत पालांगे उवें दी पैणी। आले शाबाश, अरे यार फोटो खिचनी है ना रखड़ी वाले दिन तां करके नहीं चक्या, बार बार थोड़ा ना चक्या आना, बैकग्राउंड वधिया आना ही ना रखड़ी इत्थे बंदे रा। गोगी ओ गोगी हां की हुंदा फिर पहला ही हां जी बोली दे जदों कोई बुलावे दिशान तू कहना हां जी हां जी यस गुड बॉय हां जी इतना जोश लोहे दा वा मुंह देना बरीक आवाज है जवाकां दी बरीक ही हुंदी है यार इधर आ वीडियो बनाइए मुंह ते वजू दिशान चॉकलेट चुकलेट मैं दूंगा यार और इन पिछली बार दा याद आ के उत्थे चौकी पई आ दिशान दीदी कहां गई अपने गाँव जाना है विशान अपने गाँव जाना है पापा नु नी हप करूगा जे कोई मन कर फिर मन कर हप कर दो उधर हप कर दो बिल्ली लगूगा मनीषा को दूध पिला रहा है पिला दो पिला दो मनीषा को कह रहा दूध पियो और सो जाओ झूठा कहंदा की होया झूठा तू दो कहंदा तुसी मस्करियां करदा हुन निखा जा तो जीजा जी तो अभी जा रहे हैं बिकॉज उन्होंने कल ऑफिस जाना है और राखी वगैरह बांध ली है गोगी हमारा सो गया है बिकॉज यार गोगी सोया है उसी वजह से जा पा रहे नहीं तो ये रोने लग जाता ये सो रहा है आराम से आफत सो रही है पूरी सही गल रहन दो इज्जे रहन दो फिर रहन दे हैं नवा सूट नहीं पुराना सूट दे के दोबारा सिल सूट दिया था मैंने पिछली बार आया था मैं कि मेरा सिल देना है अच्छा बुटीक शुरू कर ले बुटीक शुरू कर ले हाँ। क्या बात है हुन कट्ठे ही ऑर्डर दंदी है ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਠੇ ਤਾਂ ਆ ਕਿਦਾ ਵਾ ਮੰਮੀ ਦਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਇਹ ਨੀਦੀ ਦਾ ਸਿੱਤਾ ਹੈ ਖੁੱਲਾ ਖੁੱਲਾ ਹੀ ਸੀਨਾ ਸੀ ਮੰਮੀ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਤੇ ਹਨ